रविवार को मुरैना पर आए क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना प्रवास पर आए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य तेलों पर बढ़ते महंगाई के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयासों में जुटी है। देश में जो व्यापार स्टॉक करते हैं उन सभी से सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी मांगी है कि किसके पास किस उपज का कितना स्टॉक है। यह जानकारी पोर्टल पर आने लगी है और जल्द इसका असर जनता को दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को महंगी फसलों की पैदावार की तरफ जाना चाहिए, खेतों में आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा और किसानों को अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग पैकेजिंग और पर जोर देना होगा जिससे खेती लाभ का धंधा बने। केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि कृषि बिल किसानों के हित का है और इसे लेकर सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। किसान आंदोलन के मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह साफ है। कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। किसान यूनियन के सम्मान में हमने कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसान यूनियन समझौते के रास्ते पर नहीं पहुंचना चाहती। किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव प्राप्त होगा तो भारत सरकार हमेशा उनसे बात करने के लिए तैयार। तो क्या ये जो आंदोलन ये उनको फाइनल करना है, हमको थोड़ी फाइनल करना है। जिन लोगों ने निर्णय किया उन्हें फाइनल करना है। हमारे सामने जो विषय विचार के लिए आएगा हम उस पर विचार। आप कृषि मंत्री हैं और महंगे हो गए तो खाद्य तेलों पर बड़ा असर पड़ा है, तो कैसे इस महंगाई को रोक पाएंगे? सरसों का तेल 80-90 से 180-90 पहुँच गया। स्वाभाविक रूप से चाहे दलहन हो चाहे तेलहन हो, सरकार की निगाह सभी जिनसों पर है और महंगाई को नियंत्रित करने के सभी प्रकार के प्रयत्न भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जितना स्टॉक देश में है उस स्टॉक को सबको भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा और वो ओपन करना शुरू हो गया है और निश्चित रूप से भाव नियंत्रण में आने भी प्रारंभ हो गया। खाद्य प्रसंस्करण भी आपके पास है, कृषि विभाग भी है, द्वारा लागू की गई है, तो क्या किसान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि किसान को FPO से जुड़ना चाहिए, किसान को महंगी फसलों की ओर जाना चाहिए, किसानों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, किसानों को अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग करना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए, लेबलिंग करना चाहिए और मूल्य वर्धन से संबंधित जितने भी काम हैं उनको किसान के नज़दीक आने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं पर भारत सरकार फंडिंग कर रही है। आप देश भर में जाकर देख सकते हैं जो किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं वो किसानी को छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति देश में किसानों के बन देश के दो सबसे बड़े राज्य मैं समझता हूँ आपकी सूचना होगी, मुझे तो कोई विधायक की सूचना है नहीं कि कोई दिल्ली की ओर रवाना हुआ है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नज़र सब पर है। ठीक है, मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।